लेकर अभी हम कुछ जानकारी लेंगे। एनआईओएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने का कोर्स है, इन सर्विस है। क्या लग रहा है कि इनके लिए भी कुछ आफत आ सकती है, जैसे भी बीएड वालों को? आफत आ सकती है, इसलिए कि यहाँ जो एनआईओएस वाले केस जो किए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे, उसमें यहाँ से एक डिसीजन आ गया था कि उन लोगों को सम्मिलित किया जाए, जिसके लाइट में बिहार गवर्नमेंट ने एक निकाला चिट्ठी, एक ज्ञापांक जारी किया, जिसके आलोक में उन लोगों ने फार्म भरा, सबका बहाली हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह दिया उत्तराखंड के केस में कि ये सेवाकालीन प्रशिक्षण है, ये वैलिड नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए ये गलत है। तो उस लाइट में एक केस वहाँ उसमें एलपीए में पेंडिंग है, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ में है, एलपीए पेंडिंग है। एलपीए का नंबर है अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं बता देता अगर पहले से आप किए रहते तो हैं, उसमें हम लगा करके सारा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है हम लोग दे रहे हैं, इसे निश्चित ही वो लोग बाहर होना तय है, समझिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है। छठा चरण से हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा एलपीए टीआरओ से ऑटोमेटिक हटेगा ना, जब छठा चरण से हटेगा तो नए है, क्योंकि उसी समय से केस पेंडिंग ना है। सर, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक है, आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक उनका चल रहा है, जो के पाठक एसीएस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि हम वेतन जैसे ही चालू कर देंगे, ऐसा उनका खबर आया है कि वेतन जैसे ही उनका देना चालू हो जाएगा, इन टीआरई वन वालों का किसी भी स्थिति में कोई हटा नहीं सकता, इसीलिए उन लोग का वेतन भी चालू कर दिया। ऐसा कोर्ट से ऊपर नहीं ना है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दिया उसे के पाठक ऊपर थोड़े हैं, जो कोर्ट कहेगा उसको तो मानना है उनका ना, अपना मोनोपोली नहीं ना चलेगा। कोई प्रावधान नहीं है, कैसे नहीं तो बताता है कहाँ प्रावधान है, लिखा हुआ है उसमें ऑलरेडी लिखा था कि इक्विटी का क्लेम नहीं कर सकते हैं आप, कहा था कि ये अपॉइंटमेंट लेटर में ही आप उसमें नोट कर दीजिए कि आपका नियुक्ति जो होगा इस केस जो है 50-53 के, 50 जो 53 है 2021 उसके अधीन रहेगा, ये नोट करना है, बता दीजिए, देने भर क्लेम इक्विटी लिखा हुआ ऑर्डर में, वो तो उसका नॉलेज है, सरकार को पहले डायरेक्शन है कि नियुक्ति पत्र में ही मेंशन करना है, उन्होंने किया कि नहीं, कि उनकी ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि आपका वकील अपीयर था उस दिन, सब कुछ था, आपके नॉलेज में था, तो इसकी गलती तो आपकी है, आपने लोगों को मैंने गुमराह किया और बहाली कर लिया, तो आप वेतन दे दीजिएगा तो ऐसी हो जाएगा, गलत वेतन बहाली है हो जाएगा तो वेतन देने से थोड़े हो जाता है। ये भी तो कर सकती है शिक्षा विभाग कि हम उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान कर दे, ये तो देखिए तो करेगी तो उसके हम लोग देखेंगे प्रावधान अलग से करेगी तो वो भी देखेंगे देखेंगे नहीं वो कैसा लेटर निकालेगी क्या निकालेगी तदलेगी तो वो देखा जाएगा, अभी तत्काल तो बाहर होना है, मतलब तत्काल मान के चले कि बाहर करिए ना दिया है जी जी, अभी छठा चरण जो बहाली हुआ पहला टीआर बीपीएससी से कहां लिया, बीएड वाले को लिया नहीं लिया, खत्म हुआ तो वो मान गया, अब क्या करेगा, अब बाकी है 19 वाला। आप तो सर 22,000 स्टूडेंट को रास्ते पर उतरवा दिए हैं, तो हम लोग क्यों उतरवाएंगे भाई, डीएलएड का लड़ रहा है अपने हक के लिए, हम लोग कौन है, लड़े तो आप ही केस लड़ना तो नहीं लड़ रहा, वकील का काम है, देखिए लड़ना हम लोग का थोड़े है, जो आएगा जिसके पक्ष में।